सचिवालय सहायक बनने का प्रयास बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन जो इस सिलेबस को ध्यान से समझेगा, अच्छे से पढ़ेगा, वो जरूर इस नंबर में सबसे आगे का। आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी देखा जाएगा जो कि आपके स्कोर को बदल भी सकता है। अगर इसमें हम कंपटीशन का बात कर लेंगे तो वो बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। किसके लिए टफ हो गया है? तो जितने भी लड़के या लड़कियां इसका तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही मन से इसका तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सचिवालय सहायक नौकरी। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी के इस वीडियो में आप लोग को हम सचिवालय सहायक से संबंधित बहुत सारा जानकारी देने वाले हैं, यानी कि वो दिशा बताने वाले हैं जिस दिशा पर चल करके आप जरूर सचिवालय सहायक बन पाएगा। यानी बीएसएससी सीजीएल का जो आप लोग फॉर्म भर चुके हैं, इस फॉर्म को बहुत सारे लोग डाल चुके हैं, यानी करीब करीब 10 लाख फॉर्म इसमें डाला जाता है, जिसमें सिलेक्शन कितनों का होगा बस उसी का होगा जो इस दिशा पर काम कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर जितने सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे कुछ तरीका जो एग्जाम को फॉलो करना है आप लोग को, इसको अगर आप लोग ध्यान में रख लेते हैं, या तो आप कमजोर छात्र होंगे या बहुत पढ़े लिखे होंगे, लेकिन एक दिशा जो सचिवालय सहायक एग्जाम के लिए आपको दिया गया है, ये आप फॉलो कर लेते हैं तो जरूर इस एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आ पाएगा। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं स्पेशल रूप से पीटी सिलेबस के बारे में। ध्यान दीजिएगा, पीटी के बारे में ही क्यों बता रहे हैं आपको, कि आपका पहला स्टेप अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो दूसरा स्टेप यानी मेंस देने के लिए आप ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाइएगा। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स का है, लेकिन यहां पे कट ऑफ में आप लोग को आना होता है। कट ऑफ में नहीं आइएगा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और यहां पे कहां कहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो बोला गया है आयोग के द्वारा, वो जीके से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान से आपका 50 क्वेश्चन पूछेगा, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यहीं पे होता है। स्टूडेंट कंफ्यूज करता है कि यहां पे जो हम पढ़े हैं वो पूछने रहा है, जो कभी सुने थे वो भी नहीं पूछा गया, और जो सुने थे पढ़े थे तो यहां पे याद नहीं अच्छा से बना नहीं पा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपका यहां होगा। और यहां से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आपको हम बताना चाह रहे हैं कि अगर सबसे पहले आपका फोकस जो होता है पीटी पर होता है और यहां आप क्वालिफाई कर जाते हैं किसी भी तरह से अच्छे मार्क्स के, तो यहां पे क्वालिफाइंग नेचर का मार्क्स आपका ऐड नहीं होगा मेरिट में, लेकिन आप सेकेंड स्टेप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप मेंस देने के योग्य हो जाएंगे। अगर यहां पर आप किसी तरह का गड़बड़ करते हैं, साइंस अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, मैथ अच्छा से नहीं पढ़ते, रीजनिंग छोड़ देते हैं, तो आप सेकेंड स्टेप में पहुंच भी नहीं पाइएगा, चाहे आप कितना भी मेहनत क्यों ना कर दें। तो सबसे पहला फोकस हम बार बार बोल रहे हैं कि सोते हुए भी आपको पीटी के बारे में सोचना है, अगर पीटी नहीं हुआ आप लोग का तब जागते हुए भी पीटी के बारे में सोचना है। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको नहीं जानना है, ये निकलेगा उसके बाद मेंस के बारे में आप सोचिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आइए हम अगर बात करना चाहते हैं तो जीके से कितना क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन 50 जीके में कहां कहां से क्वेश्चन आएगा, तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है उसी से हम लोग संबंधित करके देखते हैं। तो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया, ज्योग्राफी से, और यहां पे जनरल कंपटीशन के क्वेश्चन को पूछा जाता है। जैसे आपका मैथ में पूछेगा तो 698 का क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा आपसे, यहां पे जनरल कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, एसआईसीआई का, आपका परसेंटेज का, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आप पहली बार इस एग्जाम को मतलब फोकस कर रहे हैं तो आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि इसका सिलेबस भी हम बता चुके हैं, बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पर डाला गया, प्लेलिस्ट का लिंक हम अंतिम में देंगे, टोटल को देखना है, सब समझ में आपको आ जाएगा तैयारी कैसे करना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भूगोल से आपका क्वेश्चन को पूछेगा, पॉलिटी से यानी संवैधानिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसमें कई सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान आपको उस पर नहीं देना है, यानी कि इंटरेस्टिंग जो आपका है वही सबसे पहले पढ़ना है। करंट का भी क्वेश्चन आपसे दिखेगा, यानी कि बहुत बार इसमें देखा गया है कि करंट को कभी कम क्वेश्चन पूछता है, कभी ज्यादा पूछता है, तो करीब करीब आप 10 क्वेश्चन लेकर के चलिएगा कि जीके में 50 नंबर में 10 नंबर आपका करंट से आएगा, और बाकी के 40 क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल में से भी 2 क्वेश्चन आ सकता है इसी में से, उसी में से इकोनॉमिक्स से आएगा, पॉलिटी से आएगा, ज्योग्राफी से आएगा, हिस्ट्री से आएगा, या विविध से भी आएगा 40 में से। तो 10 नंबर करंट के लिए आपको मेहनत करना चाहिए, और अभी आपको बताएंगे बहुत सारा चीज अभी बताने वाले हैं, ठीक है। यहां पे देखेंगे जीके हो गया आपका, मैथ से और साइंस से कहा गया 50 क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि साइंस से कितना क्वेश्चन पूछेगा आपका, तो 25 क्वेश्चन, मैथ से कितना क्वेश्चन पूछेगा, तो 25 क्वेश्चन। और सबसे बड़ा बात आपको हम बताएं इस एग्जाम में कि कुछ भी फिक्स नहीं है कि कितना क्वेश्चन कहां से आएगा। तो आप बोलेगा इस सिलेबस लिख कैसे दिए 50 क्वेश्चन, इसका प्रीवियस ईयर को देख करके 2-3 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में आपको ऊपर नीचे होते रहेगा, यानी कभी देखेंगे कि मैथ से 20 क्वेश्चन ही पूछा गया और साइंस से 30 कर दिया गया। तो ये इसका क्या है, रूल है आयोग के द्वारा, ये सिलेबस आपको ऑफिशियल नहीं दिया गया कि जीके से 50 का 50 पूछेंगे, ये बिहार एसएससी यानी देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, ये एसएससी एलडीसी एमटीएस सीजीएल का एग्जाम नहीं है,
एसएससी वाला, तो यहाँ पे इस टाइप का कुछ पैटर्न रहता है। लेकिन हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पे जितना क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है उसी अनुसार से पूछेगा, कुछ उलटफेर जो है इसका करते रहता है हर एग्जाम में, तो यहाँ पे कुछ ऊंच नीच हो सकता है। तो आप लोग को इस तरह को लेकर के चलना, ये भी दिमाग में लेकर के चलना। लेकिन हाँ, 50 क्वेश्चन जीके से पूछा है तो ऐसा नहीं कि 10 कर देगा, इसको 49 करेगा, 51 करेगा, 52 करेगा या 48 करेगा, ज्यादा कम यहाँ पे नहीं करेगा। और जो संख्या होगा क्वेश्चन का पूछने का वो लगभग इसी प्रकार से पैटर्न में पूछेगा, सभी को मिला करके पूछेगा। यहाँ से हिस्ट्री से अच्छा क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और आप लोग अगर कमेंट करते हैं कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है ये भी वीडियो बनाने के लिए, तो कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले वीडियो में एनालिसिस करके हर एक चीज बता देंगे कहाँ कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है, उसी पर आपको ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है। तो कमेंट नीचे जरूर करिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। मैथ यहाँ से पूछेगा, साइंस पूछेगा, जो कि 50 नंबर करीब में आप लोग को पूछेगा। और मैथ कहाँ से पूछेगा ये सब वीडियो हम पहले भी बना दिए हैं, इसका पीटी एग्जाम के लिए स्पेशल आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको इसी दिशा मेहनत करना है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और बिहार सचिवालय सहायक का फॉर्म भरने वाले हैं या फॉर्म भर दिए हैं आप लोग, इसका तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को इसी तरह से तैयारी करना होगा जो कि आप लोग के बस के अनुसार कहा गया है। तो यहां पे इसी टाइप से आपको तैयारी करना पड़ेगा। साइंस और मैथ हो गया आप लोग का 50 क्वेश्चन, जिसमें से देखेंगे मैथ कहां से पूछेगा आप लोग का, नंबर सिस्टम से आएगा, अर्थमेटिक से आएगा, एडवांस से आएगा। नंबर सिस्टम से थोड़ा सा कम, एडवांस से थोड़ा सा कम, अर्थमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से करीब करीब 25 क्वेश्चन मैथ से आपका आएगा। साइंस में से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपका क्वेश्चन आने वाला है, तो साइंस को भी थोड़ा सा फोकस करना है फिजिक्स और बायो पे, ठीक है। तो यहां पे हम एक शॉर्ट रूप में लेकर के चल रहे हैं जो कि आपको सिलेबस को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसका लॉन्ग रूप भी हम बना चुके हैं जो कि एक बहुत ही खुशखबरी आपको लिए है, आपके लिए है, और बहुत ही बड़ा खास बात है जो कि आपको देखना है। तो वो सारा लिंक हम अंत में देने वाले हैं, वीडियो के अंत में देंगे। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ, हर एक तरह का वीडियो बना के रख दिया इसके लिए, जो कि बहुत सारा मोटिवेट आपको करेगा और हेल्प भी पहुंचाएगा। रीजनिंग यहां से कहा गया 50 नंबर का हम पूछेंगे, और जिसको करना इतना जरूरी है आपके लिए कि आप सिर्फ अगर सोच रहे हैं कि बिहार सचिवालय सहायक का एग्जाम हम देंगे, तो रीजनिंग को करना कभी भी नहीं छोड़िएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा। 50 नंबर यहां से पूछा जाएगा आपका, और 50 में से हो सकता है आपको बताए पहले कि 48 हो जाए, 47 हो जाए या 51 ही हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन इतना टारगेट में लेकर के चलना है कि रीजनिंग तो पढ़ना ही है, हमको स्कोर यहाँ पे लाना ही है, ठीक है। तो ये आपका कुछ सिलेबस हो जाता है, जहाँ पे जीके से 50 क्वेश्चन, मैथ साइंस से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, टोटल हो गया क्या तो 150 क्वेश्चन हो गया, वर्बल और नॉन वर्बल करके आपका रीजनिंग में क्वेश्चन आएगा, जो जनरल कॉम्पिटिशन के एग्जाम में देखा जाता है। अब ये कुछ बेसिक बात करते हैं कि आपका पेपर होगा कैसा। जो एडमिट कार्ड आने के बाद आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोग का एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन होने वाला है, यानी कि ऑनलाइन नहीं, कंप्यूटर पर नहीं लिया जाएगा, टेबल बेंच पे बैठा करके कॉपी पेपर पेन पे आप लोग का एग्जाम होगा, ब्लू या ब्लैक पेन का प्रयोग कर सकते हैं, वो हमारा एग्जाम होगा। टोटल क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, चार ऑप्शन दिया रहेगा, वहां से एक ऑप्शन को आप लोग को सेलेक्ट करना है, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, साइंस हो, जीके हो। तो ये चीज कंफ्यूजन दूर हुआ, उसके बाद देखेंगे। और बहुत हार्ड एग्जाम इसका नहीं होता है। देखिए हार्ड एग्जाम कब होता है ना, कि इसमें बहुत सारा ऐसा प्रक्रिया जब जुड़ेगा तब इसको हार्ड कर देगा। जैसे कि देखिए, एक सबसे बड़ा जो इसमें दिक्कत होगा आप लोग को, निगेटिव मार्किंग का होगा। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत होगा आप लोग का नॉर्मलाइजेशन का, इस चीज पर भी हम चर्चा करते हैं आगे। टोटल क्वेश्चन जो आपको मिलेगा देखने के लिए वो 150 मिलेगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, जो कहां कहां से आएंगे तो जीके से, मैथ से, साइंस से और रीजनिंग से बट बट के आएंगे। हर किसी पे अलग अलग मेहनत करना है, 24 घंटा का दिन करता है, तो 24 घंटा को इस अनुसार डिवाइडेड करिए कि हम सभी सब्जेक्ट को टच कर पाएं और अच्छे से कवर कर पाएं, और जब एग्जाम नजदीक है तो उसका रिवीजन भी हम कर पाएं। रिवीजन करना इतना जरूरी होता है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन करना, क्योंकि कुछ छूट जाता है, कुछ पकड़ते हैं, मतलब रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, रोज कुछ ना कुछ भूलते हैं हम लोग। तो रिवीजन करने में सारा चीज आपका सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में फिट हो जाता है। रिवीजन जरूर करिएगा, जो भी पढ़े हैं, कम ही पढ़े हैं, रिवाइज करिए, वो ज्यादा फायदा करेगा। बहुत नया चीज पढ़ना उतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। उसके बाद देखें, एग्जाम के समय में तो और अच्छा नहीं माना जाता है। टोटल जो मार्क्स आपको देखने के लिए मिलेंगे वो 600 मार्क्स पूरा होगा, मतलब एक क्वेश्चन जो होगा आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा, 600 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम होगा। तो मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, 150 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है, तो 600 मार्क्स का है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको ध्यान देना है 150 क्वेश्चन पे से, मतलब कैसे हम इसमें 120 प्लस हम सही कर पाए, इस पर हमको फोकस करना है। मार्क्स में नहीं ध्यान देना है कि कितना नंबर मेरा आएगा, यहां अगर सही हो गया तो ऑटोमेटिक आयोग आपका कर देगा कैलकुलेशन, उससे कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा, उसके बाद आपका निगेटिव पर थोड़ा सा आप लोग फोकस करना चाहिएगा, यानी फोकस आपको करना भी चाहिए निगेटिव पर, क्योंकि जिस एग्जाम में निगेटिव दे दिया जाता है थोड़ा सा आप पर भार दे दिया जाता है,
कि आप क्वेश्चन को अंदाज पे टिक नहीं लगाएं, तुक्का नहीं लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगा करके जो जानते हैं वही बनाएं, बाकी को आप छोड़ भी सकते हैं जो कि अच्छा माना जाएगा, निगेटिव आप वहां पर नहीं हो पाएंगे। निगेटिव कहने का अर्थ होगा कि 1/4 आप लोग का इस एग्जाम में, बिहार सचिवालय सहायक एग्जाम में आप लोग का निगेटिव मार्किंग 1/4 देखा जाएगा। इसको समझिएगा कि मतलब अगर 4 क्वेश्चन आप गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा 1 क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है, तो 4 क्वेश्चन आप गलती करते हैं तो 1 क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा 4 क्वेश्चन गलती करते हैं तो 16 मार्क्स का हो गया। अब यहां पे 1 क्वेश्चन का पूरा मार्क्स मतलब क्या, और 4 नंबर काटा जाएगा, पूरा पूरी 20 नंबर आपसे काट लिया जाएगा, ठीक है। जबकि आप गलती किए 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, 1 क्वेश्चन का 4 नंबर है, 4 नंबर 4 क्वेश्चन का 4 गुना 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16 ही कटना चाहिए था, नहीं तो 4 और कट के 20 नंबर काट लेगा। मतलब 4 क्वेश्चन आप गलती करते हैं तो 1 क्वेश्चन जो आप सही किए हैं कहीं भी 150 क्वेश्चन में से, उसका भी मार्क्स आपसे काट करके मतलब पूरा 5 क्वेश्चन आपका गलती कर देगा। इसी प्रकार से जितने ग्रुप में 4-4 का आपका क्वेश्चन गलती होगा, उतना प्रत्येक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर नहीं समझे तो फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, अच्छे समझ जाइएगा। तो ये आपका निगेटिव मार्किंग कहता है 1/4 का, जो कि काफी अच्छा है, मतलब कि आप लोग को यहां सतर्क होकर के चलना है, ज्यादा रिस्क वहां पे नहीं लेना, ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद आगे समझेंगे नॉर्मलाइजेशन को हम लोग। टाइम यहां पे जो दिया गया है, आपका टाइमिंग कितना मिलेगा आप एग्जाम को देंगे, उसका टाइम क्या होगा, तो 2 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया गया है। मतलब कि 2 घंटा कितना होता है, 120 मिनट हो गया यहां पर, और 15 मिनट यहां पर, मतलब 135 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। 135 मिनट में 150 क्वेश्चन सही करना है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय भी आपको नहीं दिया जा रहा है। ये समझ पा रहे हैं आप कि 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का भी समय आपके पास नहीं है, तो ये समय आपको गैपिंग कहाँ से मेंटेन करना होगा। तो जीके के जो क्वेश्चन आ रहे हैं बनाइए और आगे बढ़िए, 1 मिनट से कम का समय है प्रत्येक क्वेश्चन पे, और सबको टच करना है, तो ध्यान देना है यहाँ पे, सबको देखना है, तो टच तो सबको नहीं कर पाइएगा क्योंकि आपको फिर निगेटिव मार्किंग दिक्कत पहुँचा देगा। तो आपको क्या करना होगा, 1 क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ना होगा जल्दी से बना करके। मैथ में आप कन्फ्यूज कर सकते हैं, 5-6 ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जो कि आपका हो सकता है आधा घंटा समय खा जाएगा, उसको स्किप कर देना है। आपको बता है बार-बार कि 150 में से 120 प्लस ही लाना है, 10-20 क्वेश्चन नहीं भी बनाइएगा फिर भी आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा मेंस के लिए, क्योंकि यहां पे 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। जितना सीट है ना आप लोग का, आपके एग्जाम में सीट का 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा आपका मेंस में, तो हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। 10 क्वेश्चन अगर गलती भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको सही कितना करना है यह टारगेट लेकर चलना है। यह नहीं कि 2-3 क्वेश्चन उलझाओ मिल गया और उसमें उलझे हुए हैं, वो बनाने में आधा घंटा 1 घंटा का समय व्यतीत कर दिया और बाकी हमसे कुछ नहीं बना, समझ में आया कि 50 क्वेश्चन ही मैं अटेम्प्ट कर पाए पूरा सही, नहीं होगा रिजल्ट, कैसे हो पाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, उलझना नहीं है। मैथ में उलझ सकते हैं आप लोग, जीके में भी उलझ सकते हैं क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते, और रीजनिंग में भी थोड़ा सा रीजनिंग आएगा तो बनाइएगा, नया आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से आप लोग को मेंटेन करना होगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है। लैंग्वेज क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम होने वाला है। मतलब कि जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे वो दोनों लैंग्वेज में आएंगे। अगर क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में नहीं आ रहा है हिंदी में पढ़ लीजिए, कोई एक में आता है, इससे भी 5-6 क्वेश्चन सही हो जाता है लैंग्वेज की वजह से कि भाषा क्या लिखा गया था। तो ध्यान देकर के एग्जाम में ये सब चीज हम गौर किए हैं, इसलिए आपको हम बताते हैं कि ये सब चीज छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन गौर करते हैं तो 2-3 नंबर अगर बढ़ जाता है मेरे बोलने से आपका, तो आप लोग को ये करना भी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नॉर्मलाइजेशन को ध्यान से समझिएगा, ये क्या है नॉर्मलाइजेशन, जो आपके एग्जाम में दिया गया है खास करके आपके बिहार सचिवालय सहायक के एग्जाम में, ये शिफ्ट पर आपका डिपेंड करता है। जैसे कि देखिए, अब बहुत सारे लोग फॉर्म भरे हैं, 10 लाख के करीब में फॉर्म भरा गया है, तो 2-3-4 शिफ्ट में इसका एग्जाम तो होना ही है, और इसी कारण से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को रखा जाता है। नॉर्मलाइजेशन वो प्रक्रिया होता है जहां पे जब किसी भी ज्यादा शिफ्ट में जब एग्जाम को करवाया जाता है, तो ऐसा हो सकता है ना कि 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ, तो हो सकता है इस शिफ्ट का जो क्वेश्चन होगा वो ईजी होगा, और हो सकता है 4th शिफ्ट का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ज्यादा हार्ड होगा। तो कैसे मेंटेन कर पाएंगे, जिसका इजी होगा, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होंगे 150 में से 130 स्कोर कर दिए, और यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन के कारण बहुत सारा जब एवरेज निकाला गया तो देखे कि यहाँ पे 90 स्कोर ही हुआ है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसलिए आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया को लाया जाता है कि जिसका 90 स्कोर हुआ है, सबसे पहले वहां देखना है कि उस शिफ्ट में क्वेश्चन कैसा कैसा आया था, यानी उस स्टूडेंट ने कितना क्वेश्चन ऐसा बनाया है जो कि बनने लायक नहीं था, मतलब हार्ड था। इस प्रकार से नॉर्मलाइज करके आप लोग का कट ऑफ निकाला जाता है,
और आप लोग का सिलेक्शन भी उसी अनुसार से होता है। तो क्या ध्यान देना है आप लोग को कि आपको कोई ध्यान नहीं देना, आपका जो शीट में क्वेश्चन आएगा बस वही आपका आधार होगा, उसी पे अच्छा से स्कोर करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है। हो सकता है कि आपका इजी पकड़ा जाए, शीट इजी पकड़ा जाए, मतलब इजी क्वेश्चन आ जाए, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना करके खुश भी नहीं होना है, और बहुत ज़्यादा हार्ड शीट अगर पकड़ा गया आपका तो बहुत कम क्वेश्चन बना के नाराज भी नहीं होना है। हो सकता है कि कम वाले का पहले रिजल्ट हो जाए और ज़्यादा वाले का नहीं हो पाए, क्योंकि हो सकता है शीट में हार्ड क्वेश्चन होगा, इस कारण से भी आपका नंबर जो है वेरी कर सकता है, आपका कट ऑफ जो है वेरी कर सकता है वहां पे नॉर्मलाइजेशन के कारण। तो नॉर्मलाइजेशन से थोड़ा सा बच के चलना है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन अगर है आपसे नहीं बनेगा तो छोड़ देना है, लेकिन हार्ड क्वेश्चन को अगर आप बना देते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में कट ऑफ बढ़ता है, क्योंकि वहां पे उस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग नहीं टच कर पाए होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन करके वो नंबर बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या समझे आप, नॉर्मलाइजेशन को अच्छे से समझ करके एग्जाम को देना है, ताकि वहां पे मतलब बहुत ज्यादा खुश भी नहीं हो पाए और बहुत ज्यादा नाराज भी नहीं हो पाए। हो सकता है ऐसा कि आपको लगेगा मेरा क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हार्ड था, उससे क्या हुआ, आप अपना 100% देकर क्या है ना, बस आप निश्चिंत रहिए, अगर आप उस लायक होंगे तो जरूर आपको वहां पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और नहीं होंगे तो वहां पे आप अलग कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये होता है। तो शिफ्ट पर खास रूप से डिपेंड करता है, जितना शिफ्ट में एग्जाम होगा उसी प्रकार से आपका नंबर भी वेरी कर सकता है। ठीक है, हार्ड होगा तो हार्ड और अगर इजी क्वेश्चन होगा तो इजी। ठीक है, समझ गए। और सीट का 5 गुना जो है मेन लिया जाएगा, मतलब मेंस में आप लोग को बुलाया जाएगा, जितना भी सीट निकला है इसमें उसका 5 गुना कैंडिडेट को मेन देने का मौका मिलेगा। तो इस कारण से आप लोग को क्या होगा कि कट ऑफ में आने के लिए आप लोग को 120 प्लस स्कोर करना होगा, और ध्यान से अपने आप में क्षमता डेवलप कर करके जो ये सब चीज़ हम बताए हैं इसको ध्यान देना होगा। अब थोड़ा सा ये आप लोग को हम प्रैक्टिस सेट का जानकारी देना चाहते हैं, यानी प्रैक्टिस सेट कौन सा यूज करें, थोड़ा सा आप लोग को इसे दिशा मिल जाता है, यानी कि पढ़ने का मन करने लगता है कि प्रैक्टिस सेट भी हमें बताइए कौन सा। एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है जो कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या दुकान में भी जाकर के इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये है किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट जो कि बीएसएससी स्पेशल के लिए आता है, सचिवालय सहायक के लिए, यानी जितना भी पोस्ट है सबके लिए। यहाँ पे सचिवालय सहायक, योजना सहायक, मलेरिया निरीक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड सी अंकेक्षक सबके लिए है। तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी के लिए, अभी आपको हम क्या किए पीटी का सिलेबस बताए हैं, तो पीटी के लिए यहाँ पे खास रूप से आप देखिएगा प्रैक्टिस वर्कबुक है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि आधारित किस पे आपको मिलेगा, तो आपके एग्जाम जो हो चुके हैं प्रीवियस में उसका भी आपको हल देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 4 हल प्रश्न पत्र भी आपको मिलेगा जो आज तक एग्जाम इसका हुआ है उसको देख करके यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डाले गए हैं जो कि आप पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स का भी पॉइंट्स बना करके दिया गया है जो कि करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा फायदा करेगा आपको। तो एक बुक आपका सारा मतलब प्रॉब्लम दूर कर देगा, आपको जांच बक करके बता देगा कि आपका तैयारी कितना है, और बहुत सारा हेल्पिंग भी, मतलब कि डिस्कशन भी तो इसमें किया गया है, डिस्कशन भी आपको दिया गया है, डिस्कशन भी करिएगा, इसे बुक में ही दिया गया, हर एक क्वेश्चन के बाद डिस्कशन दे दिया गया है जो कि आपको बेहतरीन देगा, मतलब कि आपको दिशा बताएगा कि पढ़ना किस अनुसार से है और उसका आंसर क्या होगा आप अगर कहीं अगर गलती करते हैं तो। ये किरण पब्लिकेशन का जो आता है प्रैक्टिस वर्कबुक जो कि खास रूप से आपका बीएसएससी के लिए बनाया गया है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, और खास बात इसमें यह है कि ये बायलिंगुअल है, यानी हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी है। मेरे पास देख सकते हैं ये दोनों है, ये है इंग्लिश पैटर्न वाला, जो इंग्लिश का स्टूडेंट है वो इंग्लिश में लगा सकता है, वही 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और 4 सॉल्व पेपर आपको मिलने वाला है जो कि पूरा इंग्लिश में होगा। और यहाँ पे जो हिंदी वाले लोग हैं जो हिंदी में तैयारी कर रहे हैं इसको लगा सकते हैं हिंदी वाले को, यहाँ पे आपका टोटल क्वेश्चन जो है हिंदी में मिलेगा, उतना ही सब चीज़ दिया गया है, मैथ है, जीके है, साइंस है, रीजनिंग है, सब चीज़ में दिया गया है, प्रैक्टिस है यानी मॉक टेस्ट है, आराम से आप इसको लगा सकते हैं। इस बुक को परचेज करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या दुकान में भी जाके मांग सकते हैं कि किरण पब्लिकेशन का अगर उसके पास होगा तो जरूर आपको देने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज आपको हम जो बताए ये सब चीज अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत नजदीक आप एग्जाम का पहुंच जाइएगा, जिससे आपका एग्जाम को पास करने का बहुत बड़ा नजरिया बन जाएगा, बहुत बड़ा हेल्प आपको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि सिलेबस को नहीं समझ पाते हैं, सिलेबस को नहीं समझने के कारण उसका जो तैयारी होता है वो एक दिशा में नहीं हो पाता है, मैथ को इतना पढ़ लेते हैं कि उनको जीके और साइंस समझ में ही नहीं आता है कि क्या होता है, या जीके इतना पढ़ लिए होते हैं कि मैथ से वो बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं, तो ये तैयारी का मतलब नहीं है। रीजनिंग को भी पढ़ना है, साइंस को भी, मैथ को भी, जीके को भी, तब जाकर के आप अच्छा से स्कोर कर पाइएगा, वो अपने अनुसार से भी आप ढाल लीजिएगा जब पढ़ने का प्रयास करिएगा। तो बहुत सारा चीज़ जो बेसिक आपको हम बताने का प्रयास किए और सिलेबस को बताया, और जो भी आपका डाउट अगर होगा उस पर भी वीडियो आएगा, यानी कि अगर नीचे कमेंट कर देते हैं अच्छा से कि हमारा ये डाउट अभी बन रहा है, हमारा एग्जाम नज़दीक आ गया तो कैसे तैयारी करें, ये सब्जेक्ट मेरा कमजोर है तो इस पर हम कैसे बहुत ज़्यादा मेहनत करें, क्या तरीका होना चाहिए, कितना पढ़ने का स्टडी प्लान होना चाहिए, ये सब दिक्कत है तो नीचे कमेंट करिए और आपको बता दें
जानकारी के लिए कि यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन भी चल रहा है जहाँ पे आप मैथ का क्लास ले सकते हैं, यानी कि मैथ स्पेशल वहाँ पे चल रहा है। एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मेरा खुद का एप्लीकेशन है वहाँ पे, एनएम पांडे सर के द्वारा मैथ पढ़ाया जा रहा है काफ़ी बेहतरीन से आपके लिए, आपका सचिवालय सहायक के लिए, जिसका आप देख सकते हैं आराम से जाकर के। वहाँ पे डेमो क्लास भी दिया गया है और बहुत सारा चीज़ रीजनिंग भी आपका चालू कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ आपको इतना हेल्प करेगा पढ़ने में कि आपको एक बहुत बढ़िया माहौल देगा, वातावरण देगा, जिससे आप कभी भी मतलब ये होता है ना कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कैसे करें तैयारी, तो ये सब चीज़ आपका बरकरार रह जाएगा, ठीक है। और जीके के लिए जो बेस्ट बुक होगा वो भी हम सजेस्ट कर चुके हैं, आपका वीडियो बना चुके हैं। तो थोड़ा देर अगर आप मेरे चैनल पर समय देते हैं, तो अभी जस्ट ही 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया है जीके हम कैसे पढ़ें, उसमें एक बहुत ही बेहतरीन हम बुक को सजेस्ट किए हैं, वो भी जाकर के आप देखिए, आपका उत्साह बढ़ेगा और पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, ये जीके आपका जरूर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो हम बताएं सबको बारीकी समझिए, फिर नहीं समझ में आया फिर से इस वीडियो को देखिए, बहुत ज़्यादा समझ में भी आएगा, पढ़ने का मन भी करेगा। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह तो कर ही दिए होंगे, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कुछ लोगों में कर दीजिएगा, ताकि सबका जो है मनोबल बन सके और अच्छे से तैयारी कर पाए। और उसके बाद मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।